इसका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आप लोगों ने भाई गेम प्ले का लेंथ तो देख लिया होगा, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि आज का गेम प्ले बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला। सबसे पहले तो आज के गेम प्ले में तीन तीन फेरो एक्स सूट आए हुए थे मैक्स, और तीन तीन ब्लड रेवन एक्स सूट आए हुए थे वो भी मैक्स, और साथ ही साथ फीमेल फेरो एक्स सूट भी आया हुआ था वो भी मैक्स। अब भाई ये गेम प्ले में इतना ही नहीं बल्कि इनके अलावा भी भर भर के स्किन्स वाले बंदे आए थे, और सबके साथ हमारी फाइट होने वाली है। और आज स्पेशल गेम प्ले है, स्पेशल एडिशन गेम प्ले है, इसलिए आज एक नहीं बल्कि डबल धमाका ऑफर है। दो गेम प्ले और भाई दोनों ही बिल्कुल फाड़ू गेम प्ले हैं। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि भैया आज का गेम प्ले फुल तबाही भरा होने वाला है। अब हम यहाँ पे उतरते हैं और लूट वगैरह कर रहे थे, और चारों तरफ हमारे बंदे। भाई यहाँ पे क्या ही घमासान फाइट हुई, सामने पूरे के पूरे दो स्क्वाड आपस में लड़ रही हैं, और पीछे से बैरल से मैंने पता नहीं कितने बंदे नॉक किए भी कि नहीं किए मालूम नहीं, लेकिन एक ग्रेनेड किया, ग्रेनेड से बंदा नॉक हुआ और सीधे इन बंदों पे कर दिया रस। अंदर से भाई तीन बंदों की फुटसाइल लगातार। मैंने थोड़ी अपनी दिशा बदली और मैं डायरेक्ट ऊपर की साइड गया, क्योंकि नीचे मैंने एक ही बंदे को नॉक किया था, तभी सामने एक बंदा आके बैठ गया। भाई यहाँ पे इस कोने पे आके ना भाई बड़े खतरनाक बंदे आके बैठ जाते। सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टन फेंका, स्टन फेंकने के बाद जैसे ही मुझे समझ में आया कि उस बंदे को स्टन लग गया, मैं गया बगल में मौली पड़ी थी, मैंने यहाँ पे एक मौली फेंकी, और भाई वहां पे एक बंदा तो बैठा ही था, उसके पीछे भी एक बंदा था, और ये भाई साहब मौली से जल गए। और जल के फिनिश भी हो गए, लेकिन मेरे नीचे एक पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई थी चार बंदों की। सामने एक बंदा था ब्लू कलर के कपड़े वाला, और भाई मेरे पीछे साइड जो बंदे थे वो अलग से थे ही। यहाँ पे स्पाइडरमैन ऑलरेडी मर चुका था और रिकॉल सेंटर की तरफ पहुंच चुका था, मतलब रिकॉल होने के लिए आ गया था। मैंने सबसे पहले तो ऊपर स्मोक किया, नीचे बंदा भाग के आया, मैंने इन भाई साहब को नॉक किया और वो किल भी चोरी, और उसी टाइम पे पीछे की साइड से फायर आया। मैंने तुरंत कैनल लगाया और सीधे सेंटर वाली हवेली पे गया, क्योंकि भाई कौन बंदा कब कहां से आ जाए मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। देन उसके बाद स्पाइडर आ गया रिकॉल होके, तो मैं वहां पे सबसे पहले तो स्पाइडर के पास गया, क्योंकि जहां पे मैं उस वक्त था वहां पे एक और स्क्वाड आके रेस्ट कर देती है, और दो स्क्वाड के बीच में पिसने से अच्छा है रोटेशन दे देता हूं, और जो भी स्क्वाड बचेगी उनके साथ हम फाइट ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे ऊपर की साइड आता हूं, स्पाइडर को मार करके बताता हूं कि ये ग्रेनेड की साइड थोड़ा ध्यान दे के रखना, और तभी भाई यहाँ पेटी की साइड से फायर आता है, और मैं यहाँ पे 40 HP मैं अपने आपको हील करता हूँ। सबसे पहले तो एक स्मोक डालता हूँ, देन उसके बाद मैं कैनल लगा के यहाँ पे इन बंदों पे रस करने वाला था, और यहाँ पे जो क्लचेज होने वाले भाई आपका माइंड ब्लो होने वाला है, लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और कल या परसों तक में न्यू अपडेट भी आ जाएगा डायनासोर वाला, तो वो वाले मोड के भी गेम प्लेज आप लोग को देखने हैं नहीं कॉमेंट्स में बताना। ये इस मोड का आई थिंक सो आखिरी गेम प्ले होने वाला है, तो इन्जॉय करो बस। तो डायरेक्ट कैनल लगा के मैं इन बंदों के ऊपर आया। अब यहाँ पे ऊपर खड़े होके या बैठ के चल नहीं सकते, लेट के ही कॉर्नर टू कॉर्नर चलना पड़ता है, क्योंकि ऊपर फंस जाता है प्लेयर। जैसे मैं यहाँ पे आया, भाई बॉट अंकल क्या टाइमिंग है तुम्हारी, अब यहाँ पे बॉट अंकल को हम लोगों ने भरा, और उसी टाइम पे सामने फ्लेयर चली, और फ्लेयर देखते देखते पीछे साइड एक बंदा उतर गया, इन भाई साहब को डैमेज किया, और पीछे से यहाँ पे ग्रेनेड्स हो रहे थे, तो मैं जल्दी से फॉल बैक करता हूँ पीछे साइड, तभी एक और ग्रेनेड आया। स्पाइडर की HP देखो आप, मैं पीछे फॉल बैक करके रोटेशन देता हूँ स्पाइडर को, मैंने बोला कि एक काम कर तू इसी को कॉर्नर मेरे इधर साइड ही रहे, और उनको ना हिलने का साउंड देते हैं, और मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से कर देता हूँ जल्दी से रोटेशन, उनको फुट्स भी नहीं जाएंगे, ऐसा रोटेशन मारेगा तेरा भाई। और मैं यहाँ से कैनल लगाता हूँ और डायरेक्ट जाता हूँ इस जगह पे, क्योंकि मुझे पता था कि वो ड्रॉप, ये जो बड़ा वाला बिग ड्रॉप है उसके नीचे ही होंगे, या फिर ये छोटा सा पैनिक रूम है जो यहाँ पे होंगे। तो मैं धीरे से धीरे धीरे करके यहाँ पे आया, मैंने सोचा सबसे पहले ग्रेनेड करूँ, तभी वो बंदा आया यहाँ। और स्पाइडरमैन दूसरी बार नॉक हो गया, और इन भाई साहब को पता भी नहीं चला, अपने टीममेट को मार करके मेरी पोजीशन दे रहे थे। तो यहाँ पे मैंने तो सबसे पहले इसको नॉक करके फिनिश किया। अब आज का गेम प्ले जो होने वाला है ना भाई, सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाने वाला है ये वाला गेम प्ले, और जो क्लचेस होंगे भाई, बस रेडी हो जाओ आप लोग।
यहाँ पे पूरी स्क्वाड रश कर देती हम पे। स्पाइडर फिनिश, मैं डायरेक्ट ट्रैम्पोलिन लगा के ऊपर आया और भाई ऊपर यहाँ पे धड़ाधड़ पूरी लूट ली लेवल 3 की सबसे पहले, फिर मिली मुझे ग्रोजा। और अब रेडी हो जाओ तुम लोग। तीन बंदे मैंने नॉक कर दिए और इनका जो आखिरी बंदा था वो यहाँ पे आ जाता है मेरे पे रस करने के लिए। सबसे पहले मैं हील करता हूँ, लेकिन आई थिंक सो उसके टीममेट ने बोला होगा भाई तू मत जा, तू भी कहीं मर ना जाए, जल्दी से आ जा पीछे। मैं यहाँ पे नीचे आया और मेरी वेस्ट डैमेज थी, मेरी हेल्थ भी कम थी, तो मैं यहाँ पे फॉल बैक करने का डिसाइड करता हूँ। भाई सही टाइम पे मैंने फॉल बैक किया, उसके पे शॉर्ट गन थी। मैंने कहा भाई एक गोली का तो मैं बचाऊंगा। पीछे साइड इन भैया ने बॉट एंगल को भरा, वेब सूट तो था नहीं, तो मैंने यहाँ पे ट्रैम्पोलिन लगाई, ऊपर की साइड आया, एक और ट्राई मारता हूँ मैं और तभी वो बंदे की फुट्स आते हैं मुझे, वो बंदा पीछे की साइड चला जाता है। तो यहाँ मैं समझ गया वो अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए ही गया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाता हूँ उस बंदे पे रश करने के लिए। लेकिन उससे पहले लेवल 3 की वेस्ट उठाता हूँ, जंप किया, यहाँ पे नहीं था बंदा, दूसरा जंप किया और ये रहे भाई साहब। और खतरनाक वाला फ्री फायर एंड इजी के साथ पहला स्क्वाड क्लच कंप्लीट होती है। अब ये वाला स्क्वाड क्लच आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। वहाँ पे जो IQ यूज़ किया, जैसे उस सारे बंदे स्पाइडर पे चढ़ते हैं उसे मारने के लिए, तो मैं वहाँ पे लगाता हूँ सबसे पहले ट्रैम्पोलिन और डायरेक्ट ऊपर जाता हूँ और उसके बाद वो बंदों को एक एक करके भर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे अब मैं अपना कैनन लगा के उड़ के आता हूँ इधर साइड और यहाँ पे चली हुई थी फ्लेयर। अब यहाँ पे भाई साहब आप देख के ना आपका दिमाग फटने वाला है। मैंने जल्द स्कैनर लगाया, सबसे पहले ब्लू वाली बिल्डिंग की छत में गया, ड्रॉप गिर ही रहा था, बस आप लोग रोटेशन देखना। और ये कैनन के कारण ना बहुत इजी हो चुकी है रोटेशन, जो सही से यूज करता है दिमाग लगा के। तो अब आप लोग देखो, कैनन लगा के वहां से नीचे आया, उसके बाद दूसरा वाला कैनन लगाया जो नॉर्मल मिलता है, देन उसके बाद ये रॉकेट से उड़ के मैं वापस से रोटेशन के लिए आया। मैंने यहाँ पे देखा बंदे स्पॉट हुए सामने ड्रॉप पे, ड्रॉप से एक बंदा भाग के पीछे की साइड जा रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे हौले हौले गया, हौलू हौलू करके दो बंदे यहाँ पे स्पॉट हुए मुझे। इस बंदे को नॉक किया, इसके दूसरे टीममेट ने मुझे हाफ HP कर दिया और मेरे पे कर दिया रस। मैं यहाँ पे भाई 20 HP। अब ये अजीब सी की मिली मुझे, मैं सबसे पहले रोटेशन देके इधर आया, हील करता हूँ अपने आप को। इस बंदे के रूप से मुझे फुट्स आ रहे थे, ये नीचे जंप करता है, राइट साइड गया आई थिंक सो अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, लेकिन ये तभी अंदर आ गया। मैं समझ गया मेरे पे रस करेगा, मैं डायरेक्ट ऊपर आया रूप पे और यहाँ पे राइट साइड जंप करने वाला था मैं। नीचे बंदा बैठ गया, दरवाजा बंद किया इसने अभी अभी, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मैं नीचे कूदूंगा। पहले मैंने सोचा कैनन से दूसरी जगह जाऊं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया भाई क्या ही खतरनाक वाला जिगल, वो भी एकदम पैक्ड छोटे से एरिया में। अब मैंने जल्दी से स्मोक किया यहाँ पे और इसकी पेटी देखना आप लोग, पेटी देखना, देख रहे हो पेटी यहाँ पे आप लोग को कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आप लोग को? अच्छा कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों को कुछ अजीब सा दिखाई दिया इसकी पेटी में, लूट में। चलो कर दियो कमेंट आप लोगों ने, जिन्होंने भी नहीं किया कर दो कमेंट। अब मैं बता दे दो भाई, इस बंदे के पास एक नहीं तीन वेब शूटर थे, इतने हरामी बंदे मैंने कभी नहीं देखे। मतलब ऐसे बंदे होते हैं ना कि हम भले ही नहीं यूज़ करेंगे, हम ठीक है हम तेरे को यूज़ नहीं करने दे, एक्स्ट्रा वेब शूटर उसने कहीं छोड़े नहीं, सब बंदों को मार के सबकी पेटी से उठा ले रहा था। देन उसके बाद जो अपने को की मिली थी, तो ये एक स्पेशल चैम्बर रहता है जो कि मैप में आ जाता है, की मिलती है और भाई इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मिलती है आपको लेवल 3 की लूट। और ये गजब ही चीज़ है, मतलब आपका लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट और साथ ही साथ आप लोग को एक स्पेशल वेपन भी मिलता है। तो भाई वो बंदा तो लिटरली गलत ही लेवल का था, मतलब तीन वेब शूटर भाई। अब दूसरे टीममेट की इसकी पेटी मैंने नहीं लूटी और मैंने सही किया पेटी लूटने नहीं गया, नहीं तो भाई यहाँ पे इसके बाकी के टीममेट बैठे हुए थे मेरी बजाने के लिए। ऊपर चढ़ना
अब गाड़ी पूरी पूरी फट चुकी थी और गाड़ी से मैं जा नहीं सकता था क्योंकि वो बंदा एक स्प्रे देगा और गाड़ी कहीं फट ना जाए। तो यहाँ मैं आता हूँ इस बंदे को मारने के लिए कि यहाँ पे आऊँ, लेकिन ये बंदा भैया दे रहा था खतरनाक वाला स्प्रे। मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ, लेकिन फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या मतलब बिना फालतू में फाइट लेके इस बंदे से मैं यहाँ पे डायरेक्ट रॉकेट लगाता हूँ अपना और निकलता हूँ भाई सबसे पहले गाड़ी के लिए, कि अगर गाड़ी मिल जाती है तो मैं इन बंदों पे आगे कर दूंगा रस वापस से यास नया पे। मैं यहाँ पे निकलता हूँ लेकिन यहाँ पे कोई भी गाड़ी स्पॉट नहीं होती मुझे, तो मैं धीरे धीरे और आगे आता हूँ, इस घर पे आता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं सामने रिकॉल के स्क्वाड हाउस पे जाने वाला था और तभी मुझे एक डासिया का साउंड आया। अब ये स्प्रे देखो आप लोग, यहाँ पे भाई ये बंदे पूरे अच्छे खासे लीड थे क्योंकि एक हेड और दो तीन बॉडी पड़ी थी आई थिंक सो, तो दोनों बंदों में डिवाइड हो गया डैमेज पूरा का पूरा, तो कोई भी नॉक नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लंबा रोटेशन देता हूँ वेब शूटर और कैनन का यूज़ करके, देन मुझे गाड़ी मिलती है और गाड़ी मिलने के बाद मैं डायरेक्ट ये जो बंदे यहाँ पे रुकते हैं इन्हीं पे कर देता हूँ रोटेशन। और जैसे इन बंदों पे जा रहा था भैया स्कूल के साइड से आया मेरे पे फायर, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट गाड़ी रुकी। अब यहाँ पे आप लोग को लिटरली गॉड लेवल का आप लोग को एक IQ देखने के लिए मिलेगा और वो बस देखना आप लोग क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आया, इस छत में आया, सामने इस बंदे की फुट्स आए और भाई मेरे आते ही इन बंदों ने मेरे पे ग्रेनेड भी फेंक दिया। मतलब देख रहे हो, मैं अगर वहीं पे रुकता तो वो बंदा मुझे ग्रेनेड से मार नॉक करने का या डैमेज करने का ट्राई करता। अब इस बंदे को मैंने जिसको नॉक किया था इसका किल चोरी करने का कोई ट्राई कर रहा था वो उधर साइड से रिकॉल के साइड से। एक बंदे को मैंने भर दिया, इसका टीममेट जो था वो यहाँ पे इस घर के नीचे बैठा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे लगाया दिमाग तुरंत, इसने ग्रेनेड किया उधर, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड खोला कैंसिल किया और मैं समझ गया ये पैनिक में आके रुकेगा डायरेक्ट। देखो अब जलवा। तो ये होते हैं गाइस, ये आप लोगों को IQ कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मतलब बंदा फुल पैनिक हो गया और उसको पता था कि अगर वो यहाँ पे नहीं आएगा तो ग्रेनेड से वो डैमेज या नॉक हो सकता है, यहाँ पे तो एक बार मैं ग्रेनेड करूँगा तो यहाँ डायरेक्ट बालकनी से कूद जाएगा। और ये चीज़ मैंने पहले ही उसकी एंटिसिपेट कर ली थी, पता लगा ली थी, एंड जैसे ही भाई आया मैं उसको भर दिया। और ये भाई साहब मेरी वो जली हुई लैम्बो लेके यास नया से आए यहाँ पे, मैं समझ गया ये उसी टीम का आखिरी बंदा बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरे ग्रोजा में बुलेट्स कम थी, 34 ही बुलेट्स बची हुई थी। और वो ग्रेनेड वाला आप लोग को IQ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई की। मतलब एक होता है चलो कैंसिल फेंकने की जगह करके और कैंसिल कर देना फिर बंदा आके तुम पे कूदेगा, लेकिन भाई बंदे की पोजीशन ही पता लगा लेना तो वो एकदम गलत ही गॉड लेवल था। मैंने सोचा नहीं था, मतलब सोचा तो था लेकिन सोचा नहीं था कि ये काम करेगा, मगर काम कर गया वो टेक्निक। तो नई नई चीज़ें सोचो और उन्हें करते रहो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आके गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ मैं देख रहा था कि भाई इस घर पे बंदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, गेट वोट बंद थे। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे भी अलग ही सीन होने वाला है। और ये गाड़ी खड़े करके देखने की जो मेरी आदत है ना, इस ये आदत मेरी बहुत भारी पड़ने वाली है मेरे ऊपर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप लोग को आगे चल के पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, क्योंकि अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और खतरनाक गेम प्ले बाकी है। मैं यहाँ पे आया और ये देखो भाई, भाई इसने लिटरली ऐसे ऐसे कलेजा होता ना बाहर से आ गया था भाई। बंदा यहीं पे बैठा था बिना फुट्स दिए बिना कुछ किए हुए, और जैसे ही भाई मैंने लेफ्ट किया थोड़ा अपना एंगल तो मुझे राइट में बंदा स्पॉट हुआ। अब उसके बाद जोन बन चुका था स्कूल में, मैं अपने यहाँ पे टेस्ला लेके निकलता हूँ स्कूल। अब यहाँ पे भी गॉड लेवल बंदे, मतलब भाई आज क्या ही हो रहा है गेम प्लेस में। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आया, मुझे किसी बंदे के फुट्स नहीं आए, मैं समझ गया ये बंदे कहाँ हो सकते हैं, ये बंदे पक्का स्विमिंग पूल की छत पे हो सकते हैं। और जैसे वो फायर कर रहे थे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया, स्विमिंग पूल की छत की तरफ जा ही रहा था, और ये देखो ये महाशय को देखो। तो ये यहाँ पे इस बंदे को मैंने नॉक फिनिश किया। अब ये ग्रेनेड कर रहा था मेरे पे, मैंने इसको नॉक किया, तभी यहाँ पे एक और इसका टीममेट निकल के आ गया। पहले मुझे लगा एक या दो बंदे होंगे चल ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे एक बंदा मैंने फिनिश किया, एक बंदा मैंने नॉक किया, एक और बंदा नॉक, दो बंदे यहां पे अब टोटल नॉक हो चुके थे।
ये ग्रेन मेरा टकरा के बाहर गिर गया, नहीं तो यहीं पे काम 36 हो जाता। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक और थ्रोएबल फेंका। इनका आखिरी टीममेट बचा हुआ था जो कि इसी कॉर्नर पे था। मैं यहाँ पे इस पे ग्रेनेड करने ही वाला था कि भाई इसने मॉली फेंक दी। मैं जल्दी पीछे की साइड गया और भाई ये प्लस वाली मॉली बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। तो दो बंदों की किल तो मुझे मिल गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो बंदे बचे हुए थे अभी भी, और भाई वो भैया किए जा रहे थे मेरे पे ग्रेनेड और मॉली। मैंने यहाँ पे देखा भाई जोन चालू होने वाला है, और जोन अब यहाँ पे चालू हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पीछे की साइड आया, फॉल बैक किया, जोन एक बार फिर से यहाँ पे बन चुका था। भाई क्या ही बंदे यार, एकदम टच करते पूरा डैमेज कर देते। फिलहाल के लिए वो जोन तो यहीं पे बन गया था, लेकिन अब जो दूसरा वाला जोन था वहाँ पे मेरी गाड़ी हो चुकी थी जोन के बाहर। तो मैं यहाँ पे अपने आप को हील करता हूँ, और वो भैया अभी भी मेरी उधर वॉल तोड़ने पे लगे हुए थे। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि भाई एक काम करता हूँ, सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेरा जो सबसे पहला रूल है वो है लास्ट जोन में आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं गाड़ी ले लेता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे ट्राई करता हूँ हिल पे जाने का। अब यहाँ पे भाई साहब मैंने प्लान तो सही बनाया था अपना सब कुछ, लेकिन मेरे से हो गई एक गलती। ये भाई साहब वहाँ वाले बंदे अलग ही बैठे हुए थे। मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मैंने देखा कि भाई टावर वावर पे कोई नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई है कि नहीं। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ठीक है, कोई नहीं होगा शायद से, क्योंकि ये जोन के बाहर है भी ये एरिया, तो इधर कोई नहीं होगा। मैंने देखा बाइक है, मैं यहाँ पे गाड़ी रोका, और तभी फुट साए खत्म। भाई मतलब मेरे को फायर करने का भी टाइम नहीं मिला। तो वो वाला सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच हो गया था। आप लोगों को कैसे लगे उसके क्लचेस, आईक्यू, ग्रेनेड्स, वो मुझे कमेंट्स बताना। अब आते हैं भाई मेन गेम की तरफ, जिसके अंदर आए हुए थे भाई तीन ब्लड रेवन मैक्स, तीन फेरो मैक्स, एक फीमेल फेरो एक्सूट मैक्स, और भाई पूरी लॉबी के पास स्किन्स थी। बिल्कुल गॉड लेवल मैच था, और इस गेम के अंदर भी गॉड लेवल फाइट्स होने वाली है। तो मैंने अभी तीन चार दिन से गेम प्ले नहीं डाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू मोड आ रहा है और मेरे पे दो बहुत तगड़े गेम प्ले पड़े हुए हैं, तो क्यों ना मैं आप लोग के लिए आज बड़ा इंटरटेनमेंट का जुगाड़ कर दूँ। तो भाई वॉइस ओवर करते करते मेरा पूरा गला सूख गया है, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, और ये वाला गेम प्ले भी बिल्कुल गॉड लेवल होने वाला है। पिछला सोलो वर्सेस स्क्वाड का कैसा लगा आप कमेंट्स में बताना। हम यहाँ पे उतरते हैं, सबसे नज़दीक जो रहता है ये एरिया, अब उसके बाद यहाँ पे उतरने के बाद हम लूट वगैरह कर रहे थे, और हमें यहाँ पे नहीं मालूम था कि कितने फेरो आए। तो यहाँ पे पहला फेरो आया जिसका नाम था DSS नेताजी, नेताजू, नेतीजी, पता नहीं क्या नाम था। मेरे पनौती टीममेट पहले उसको बेचारे को कर्ज कर रहे फेरो को कि देखना भैया अभी वो मर जाएगा फेरो, और उसका किल फीड आएगा, उसको किसी ने भर देगा। यहाँ पे कोई स्क्वाड तो नहीं आई, लेकिन अपने प्यारे बॉट अंकल आए थे। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे DSS प्रेसिडेंट, तो DSS प्रेसिडेंट और DSS फेरो दो बंदे हो गए, और यहाँ पे एक विलियम करके भी एक और आया, एक और फेरो एक्सूट विलियम्स MVP। अब उसके बाद यहाँ पे दो फेरो और दो ब्लड रेमन हो गए थे, एक मैं, तीन ब्लड रेमन एंड दो फेरो, आई थिंक तो दो ही मैक्स फेरो आए थे यार, तीन फेरो नहीं थे, एक फीमेल फेरो था। हाँ तो यहाँ पे भाई साहब टोटल अब हो चुके थे, अभी एक ब्लड रेमन बचा हुआ था, मतलब एक ब्लड रेमन दो फेरो हुए, तो तभी यहाँ पे नाइट बीस्ट भैया आ गए और दो ब्लड रेवन हो गए। तो DSS नेताजी ने यहाँ पे उस ब्लड रेवन की पुंगी बजा दी, और भाई यहाँ पे एकदम गलत वाला ही सीन हो गया था, पूरी लॉबी चमक पड़ी थी, और मेरे को ऐसे हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। मैंने अपने टीममेट्स को बोला भाई बहुत लूट हो गई, जल्दी चलो मेन इवेंट पे, वहीं पे आई थिंक जो फाइट चल रही होगी। हमारे पे गाड़ी नहीं थी, हमने साइकिल उठाई, और साइकिल उठा के, मतलब आपने कभी भी मुझे साइकिल चलाते हुए नहीं देखा होगा गेम प्लेस में, लेकिन भाई मैं इतना डेस्परेट था इन एक्सूट वाले बंदों के साथ फाइट लेने के लिए कि मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया, बिल्कुल सबर नहीं किया। मैंने कहा जो है अपने पास उठाओ और चलो बेंच। तो मैं और विक्की यहाँ पे पहुंच गए थे, और यहाँ पे भाई साहब मैं और विक्की पहुंच गए और स्पाइडर को पीछे छोड़ के आ गए। अब हमें लगा यहाँ पक्का कोई ना कोई एक्सूट वाला होगा, और यहाँ पे HFK ब्लेज AKM मैक्स इसके पास, और तभी यहाँ पे मैक्स रिडेंस एक्सूट वाले बंदे का किल मैसेज। मैं कहा भाई क्या हो रहा है आज की गेम प्ले में यार, ये सारे बंदे मारने के लिए मिल जाए एक्सूट वाले तो मजा ही आ जाए। अब हम यही सोच के यहाँ पे आए थे, लेकिन भाई साहब इस HFK वाले बंदे को मैंने अभी मारा, और इसने कहीं और ही अभी अभी मार दिया। भाई साहब इसी ने अभी अभी यहाँ पे
मारा था इसी ने अभी अभी यहाँ पे मारा था फेरो को, जस्ट हम थोड़ा सा लेट हो गए और उसके बाद मैंने वहां पे जिस बंदे ने फेरो को मारा था उसको मार दिया यहाँ पे, उसके बाद मैं रस करता और भाई साहब एक बंदा बैठा हुआ था, क्या हो गया, जस्ट एक मिनट लेट हो गया और फेरो भैया को HFK वाले बंदे ने भर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे फेरो वापस से जिंदा हो चुका था। तो भाई मैं पूरा फिर से एक बार एक्साइटेड हो गया था कि चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ से बच के निकल गया, वापस से हमारी फाइट होने वाली है। तो हमारी इरिडेंस एक्स सूट वाले अभी सारे बंदों के साथ फाइट होने वाली, फिलहाल के लिए यहाँ पे बदला लेने के लिए या फिर पता नहीं कौन एक बंदा बैठा हुआ था एम करके स्मोक पे, हम लोग लूट वगैरह कर रहे थे, तो इन भाई साहब को हमने नॉक किया। और यहाँ पे आज मैं यूज करने वाला हूँ AWM। तो जिस बंदे ने फेरो मैक्स फेरो को मारा था, DSS नेताजू वाला जो बंदा था, नेताजी वाला बंदा था, उसको तो मैंने भर दिया यहाँ पे, उसके पास भी AKM थी। देन उसके बाद यहाँ पे अब हमारी तलाश थी एक बार फिर से ये ही एक्सूट वाले बंदों की। राइट साइड मैंने जिस बंदे को नॉक किया था, मुझे लगा उसके टीममेट्स भी होंगे, तो यहाँ पे हम लोग आए डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे उसके टीममेट्स कोई नहीं थी, वो अकेला ही था। और तभी यहाँ पे विक्की ने मार किया कि भैया सामने एक और बंदा, मैंने बोला भाई मेरे को तो कोई बंदा स्पॉट नहीं हो रहा यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे टीममेट्स बनाने के लिए लगे थे भाई व्हीकल स्पॉनर, और तभी यहाँ पे मुझे वो बंदा दिख गया जो कि बंदा नहीं बॉट अंकल थे। मैं आ रहा हूँ लगा के। अब भाई आप लोग किल मैसेज तो देख ही रहे हो कि मतलब फेरो एक्सूट, ब्लड रेवन एक्सूट, इरिडेंस एक्सूट, इनके अलावा भी बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास स्किन्स वगैरह, और भाई इनका KD भी बिल्कुल मस्त वाला खतरनाक वाला रहता, 4 का 5 का। और भाई जब एकदम गॉड लेवल बंदे आते हैं ना उनका KD रहता है भाई पूरी स्क्वाड का 9 का 10 का, भाई खतरनाक ही रहते हैं। अब यहाँ पे व्हीकल स्पॉनर बनाया हम लोगों ने, एंड उसके बाद यहाँ पे व्हीकल स्पॉनर से हम लोग निकल पड़े अपनी तलाश में फेरो अंकल के। अब यहाँ पे भाई एक्सूट वाले बंदों को ढूंढ तो हम लोग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने भाई एक चीज का ध्यान नहीं दिया कि जोन अभी काफी बड़ा था और भाई बंदे बहुत कम बचे हुए थे। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से उन बंदों को ढूंढते हुए निकल के आए, तभी यहाँ पीछे की साइड फ्लेयर चली हुई थी, तो हम फ्लेयर की साइड आ गए डायरेक्ट। अब यहाँ पे सामने चली हुई थी फ्लेयर, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। मैंने निकाली ओम, मैं कहा आज भैया ओम का भी मज़ा ले लेता हूँ, और लिटरली ओम चलाने में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज से आप भाई ओम का यूज़ करके बंदे भर सकते हो और फिनिश भी कर सकते हो। और ये देखो ट्रैम्पोलिन लगा कैसे उड़ रहा है, मैं बिल्कुल आराम से वेट कर रहा था भाई एम पे आ जा जहाँ पे मैं नॉक करके फिनिश भी कर सकूँ, और उसी टाइम पे पीछे एक साइड से ब्लैक लैम्बो में बंदे सामने रस कर देते इन फ्लेयर वालों पे, देख रहे हो, मतलब तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे ना। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, मैंने कहा स्टेबल होने दो, माहौल शांत होने दो। अब यहाँ पे जो AWM के लटके झटके और फटके पड़ने वाले हैं, और देख के आप लोग को मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए सामने दोनों स्क्वाड के बीच में हो गई फाइट। अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, तब तक आप लोग ये ओम के लटके झटके और फटके देखो, और जिसने भी लाइक नहीं किया इसी ओम के फटके के साथ एक लाइक कर दो। तो मैंने यहाँ पे ओम से 3 किल तो कर दिए, 2 किल मैंने किए और 1 तो मैंने किल चोरी किया। अब मैंने यहाँ पे अपने टीममेट्स को बोला कि लेफ्ट साइड से हम लोग रोटेशन देते हैं, यहाँ पे अभी 1 या 2 बंदे तो बचे होंगे आई थिंक सो। अब हम यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड से देते हैं रोटेशन। इधर साइड तो हमें बंदे स्पॉट नहीं हुए, लेकिन ये इरिडेंस एक्सूट भाई बंदों को जो ही भरे पड़ा था। आप लोगों को क्या लगता है आज किस एक्सूट के सबसे ज्यादा किल मैसेज आप लोगों ने देखे हैं किल फीड में? फिलहाल के लिए सामने स्मोक हुआ था, हम यहाँ पीछे की साइड जा ही रहे थे जोन के अंदर, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, तभी सामने बंदा स्पॉट हुआ और भाई उसने भी हमको स्पॉट कर लिया, लेकिन यहाँ पे इन भाई साहब की किस्मत खराब थी HFK ब्लेज भाई की। भाई दो दो बार मरे और मेरे पे
M4 थी उसके पास और मेरे पे थी AWM। इसकी किस्मत खराब थी बेचारे की, लेकिन इसने भाई फेरो को मारा था, तो फेरो को मारने के बदला हम लोगों ने इससे ले लिया। अब उसके बाद हम जैसे तैसे करके जोन के अंदर आए और यहाँ लेफ्ट साइड में होके रखा था बहुत तगड़े वाला स्मोक और चल रही थी भाई बहुत घमासान वाली फाइट। अब मैं यहाँ पे जोन के अंदर आया, सबसे पहले मुझे लगा यहीं पे रोक लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे इधर चल रही थी फाइट, तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हर जगह से बंदे, भाई टोटली घिर चुके थे हम लोग। मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी थी, सोचा था सामने जो स्मोक हो रखा है वहां पे उन बंदों से फाइट लेंगे, लेकिन हमारे पीछे बंदे, लेफ्ट में बंदे, राइट में बंदे, आगे बंदे, हर जगह बंदे ही बंदे। यहाँ मैंने स्पाइडर को बोला भाई तू एक काम कर, हमको कवर ओवर देना, मैं यहाँ पे भी क्यूब करता हूँ रिवाइव। मैंने स्पाइडर को बोला उधर ध्यान रखना, उधर साइड बंदे हो सकते हो, और भैया जैसे ही मैंने बोला उधर साइड बंदे आ गए और यहाँ पे स्पाइडर बोलता चार बंदे पूरे। मैंने बोला क्या बकवास कर रहा है भाई, मैं यहाँ पे जंप करके ग्रेनेड डाल रहा था उस बंदे पे, स्मोक पे एक ग्रेनेड डाला और उस बंदे पे रस करने जा ही रहा था कि भाई पीछे वाले ने उंगली कर दी। भाई ओम मारी मगर गाड़ी पे ही लग गई ओम की बुलेट। अब मैं यहाँ पे सामने वाले बंदे पे रस करने जा रहा था, तभी मुझे स्पॉट हुआ, इस बंदे को मैंने नॉक किया और उसी टाइम पे मेरे स्कोप पे पीछे पहाड़ी से एक बंदा आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे स्पाइडर नॉक हो गया। वो पेड़ पे है। Watch out! अब यहाँ पे स्पाइडर मॉन को बचाए तो बचाए कैसे, मैं बोलता हूँ विकी से तू लेफ्ट साइड जाने का ट्राई कर, मैं राइट साइड से फ्लैंक करके और तुम लोग को कवर फायर देने का ट्राई करता हूँ। स्पाइडर बहुत ही सही जगह पे था, थोड़ा अगर वो कवर बना लेता तो नॉक नहीं होता। मैं पीछे वाले बंदे को देख रहा था, स्पाइडर के यहाँ पे नॉक होने से भाई टीम के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। फिलहाल के लिए भाई इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया और मेरा पिंग देखो उसी टाइम पे, मैंने कहा ये कवर में कैसे नॉक हो गया, और जैसे यहाँ पे इस पेटी को लूटने के लिए आया भाई कवर में मेरे को फटका भी लग गया। मैंने यहाँ पे एक ओम उसको चला के बताई भाई मेरे पास भी बोल्ट एक्शन है, दूर रहे मेरे से, अभी मेरे को लूट वूट करने दे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत थी स्मोक की और स्मोक इस बंदे के पास भी नहीं, और पिंग भाई मेरा एकदम गॉड लेवल स्पाइक कर रहा है 165 155। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला भाई देवता मानुष पिंग शुरू में स्पाइक कर लिया करो भाई, लास्ट में इतनी खतरनाक फाइट के टाइम पे ये क्यों होता है मेरे साथ। अब मेरे पे आया ग्रेनेड, पीछे विक्की भी नॉक, राइट साइड से चल रही थी AMR, मेरे पे सिर्फ एक ही मौका था, मैं यहाँ पे आके पीछे रोटेशन देता, मैं यहाँ पे रुका और तभी ये हुआ भाई, मौका ही नहीं मिला यहाँ पे मुझे कुछ करने का। उधर स्पाइडर नॉक हो गया, इधर विक्की नॉक हो गया, और ओपन में मैंने गाड़ी भी रोक दी थी, वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसके कारण भाई ये मैच हमारे हाथ से निकल गया चिकन डिनर होते हुए। फेरो और ब्लड रेवन तो हमें मारने के लिए नहीं मिले, मगर यहाँ पे इरिडेंस एक्स सूट वाला बंदा अभी तक जिंदा था, और आई थिंक तो फेरो और ब्लड रेवन इन सबको मार दिया दूसरे लोगों ने, HFK को तो मैंने ही मार दिया था। अब सबसे मजेदार चीज गेम की यहाँ पे होने वाली है, बस आप लोग रेडी रहो और देखना, बस इडियन सेक्सूट ने नॉक किया, कैसे रस कर रहा है, आइए प्रो हूं मैं, गॉड हूं मैं, इडियन सेक्सूट फीमेल फेरो भी लाइक लेट्स गो, लेकिन सामने इसका भी गॉड था भाई। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मैं मतलब भाई अरे ये कैसे बंदे लास्ट में शॉटगन लेके कौन रखता भाई। मैंने देखा भाई 1.92 की केडी थी और फीमेल फेरो की 5 की केडी थी ऑलमोस्ट, और भाई ये शॉटगन लेके चल रहा था बंदा और इसने भर दिया उसको,
उसके बाद यहाँ पे वो सीन नाम का जो बंदा था जिसको जिसने हम मेरे को मारा था उसने इसको भी भर दिया और चिकन डिनर वो लोग ले गए। लेकिन भाई गेम प्ले में बहुत मजा आया, आप लोग को भी मजा आया तो लाइक कर देना, जो लोग भी ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। न्यू मोड कल आ जाएगा अपने ग्लोबल के अंदर, होप सो BGMI की भी रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ हम लोग को सुनने के लिए मिल जाए। तो बस मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में, टिल देन सायोनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो सेट।